फेमस यूट्यूबर का शव लटकता मिला। खुद पति ने 10 दिन पहले प्रेमी से करवा दी थी शादी। आखिर क्या है यूट्यूबर की मृत्यु की कहानी? संत कबीर नगर की मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान का शव बुधवार की रात को फंदे पर ससुराल में यूट्यूब मीडिया हाउस के कमरे में लटकता हुआ मिला है। पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, दामाद विष्णु ने ही उसका अंत किया है। यूट्यूबर की मृत्यु की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। काफी देर तक समझाने के बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। इसके साथ ही यूट्यूबर पति विष्णु को हिरासत में लिया। आपको बता दें मामला मोहली थाना के काली जगदीशपुरा का है। उमरी कला की मालती की शादी 2020 में यूट्यूबर विष्णु से हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है, मगर पति पत्नी में एक महीने से विवाद चल रहा था। विवाद के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मालती के पिता का आरोप है कि विष्णु का संबंध किसी लड़की से था, जिसके कारण दोनों में विवाद होता था। 10 दिन पहले पति पत्नी में जमकर बवाल हुआ और पति विष्णु राज ने मालती की शादी अर्जुन वर्मा से करवा दी। लेकिन मालती का मन फिर से बह गया और अर्जुन के साथ ना रहने की बात कहने लगी। और मालती ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, अब रहेंगे तो हम अपने पहले पति के साथ ही रहेंगे, चाहे जीवन रहे या ना रहे। गुरुवार की सुबह जब मालती के यूट्यूब हाउस का दरवाजा नहीं खुला तो धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो देखा कि मालती का सब पंखे पर साड़ी के फंदे से लटका हुआ है। विष्णु ने मालती पर उनकी टीम के ही मेंबर अर्जुन के साथ अफेयर का आरोप लगाया था। इसके बाद विष्णु ने ही मालती और अर्जुन की शादी 10 दिन पहले करवा दी थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। मगर हफ्ते भर बाद ही मालती अर्जुन को छोड़कर फिर से विष्णु के साथ आना चाह रही थी। मालती के पिता ने बताया 2 दिन पहले मंगलवार को बेटी घर आ गई थी, उसी दिन विष्णु भी घर आया और उसे अपने साथ ले गया था। बेटी भी अपने पति के साथ रहना चाह रही थी, लिहाजा हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया था। एक दिन बाद ही बुधवार को बेटी की मृत्यु की सूचना मिली। हमें बताया गया कि उसने फंदे पर लटक करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जबकि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, दामाद विष्णु ने ही मेरी बेटी की जीवन लीला समाप्त की है। अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मालती चौहान के मृत्यु की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उनके पिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटी की हत्या की गई है, जिस पर केस दर्ज कर पति विष्णु को हिरासत में ले लिया है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है। PM रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जाँच CO कर रहे हैं।